नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइफ स्ट्रीज को। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके जो चाचा हैं वो 420 हैं। बक्सर में जगदानंद सिंह के नामांकन में वो गए थे कल। तस्वीरें देख रहे हो किस तरीके से जनसभा को संबोधित किया है। और इस बीच उन्होंने आरोप भी लगाया है नीतीश कुमार पर। लगातार हम सुबह से खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पर ही वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो गया है। जदयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने यह साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव से अब जब तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो रही है, इस कारण से ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं वो अनाप शनाप बक रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहा है जरा आप खुद सुन। देखिए, तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। युवा नेता है, लंबे रेस के घोड़ा है, आगे तक जाना है। मगर जिसको युवराज को बिना किसी मेहनत के विरासत में अगर ताजपोशी होता है तो उनको तमीज वगैरह चीज नहीं आ पाती है। एक शोक युवराज की तरह वो शब्द वो अपना व्यवहार करते हैं। उसी क्रम में उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि किसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। मेरे तो ये लगता है कि इस ऐसे उनके कृत्य पर हमारी टिप्पणी भी नहीं बनती है। माननीय नीतीश कुमार जी जो जिनके साथ उन्होंने काम किया है, और माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक शुचिता के लिए जाने जाते हैं, आज तक अपने शब्द और व्यवहार से किसी को कुछ भी दुख नहीं पहुंचा है। उस व्यक्ति के प्रति इन्होंने एक जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रति इन्होंने एक 420 के और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि हमें लगता है कि ये राजनीतिक के जीवन में इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को इसके लिए पूरी तरह जनता के रूप में माफी मांगनी चाहिए और उनको भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए कि देखिए वो राजनीति अपनी जगह पर है और इस तरह के शब्दों का चयन उचित नहीं है। और नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सब कह करके तेजस्वी यादव अपने पठन पाठन संस्कार, अपने रहन सहन का परिचय देते हैं कि एक बड़ों के प्रति जिनके साथ उन्होंने काम किया है उनके साथ उन्होंने क्या सम्मान है और क्या शब्दों का चयन है। और मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव जी जो अभी राजनीतिक में रूप में एक परिपक्व नहीं है, वो जाके अपने जो पठन पाठन प्रशिक्षण का कार्य पूरा करें। पहले वो देख लें कि कैसे मान मर्यादा बड़ों का आदर करना कैसे सीखेंगे, उसके बाद ही वो अगर राजनीतिक जीवन में आए तो अच्छा है। अभी लगता है कि उनसे कुछ पावर बच नहीं रहा है। एक उन्हें ताजपोशी हो गई और हो गई, हजारों करोड़ के मालिक वो हो गए बिना कुछ किए हुए। तुम्हें लगता है कि जीवन में सब ऐसे ही होता है, दूसरे का सम्मान ना करो, ये सब ना करो। हमें लगता है कि उन्होंने वो अपनी पोल खोल रहे हैं जनता के बीच में कि उनका शिक्षण प्रशिक्षण रहन सहन पठन पाठन क्या है। और तेजस्वी यादव जी को जनता इस बात का माकूल जवाब देगी कि एक माननीय मुख्यमंत्री और वैसे व्यक्ति को जो कि राजनीतिक शुचिता के लिए मशहूर है, उनके प्रति ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, इसका जनता पूरी तरह जवाब देगी। आपने सुन लिया किस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जदयू के प्रवक्ता भी उन पर निशाना साध रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तीन चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण जो 29 अप्रैल को होना है उसके लिए प्रचार प्रसार आज शाम से थम जाएगा। अब इसके बाद किस दल के नेता और कौन कौन से बयान देते हैं, कहां कहां पर जाके, उन सभी बयानों से लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।